हे गाइस, आपका वंस अगेन वेलकम है टेक ऑफिस पे। और मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं पिक्सर एक्सपीरियंस का रिव्यू। क्योंकि फिलहाल है जो इसका लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, जो कि मैं कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर काफ़ी कमाल के इंटरेस्टिंग चेंज जो किए गए हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके अबाउट पे, जहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन 10 देखने को मिलता है। 5 अप्रैल 2020 का सिक्योरिटी पैच है। गूगल प्ले सिस्टम अपडेट जो है आपको 10 देखने को मिलता है। और यहाँ पे कर्नल भी आप देख सकते हो सेम है प्रीवियस वाला ही। और यहाँ पे जो ये नॉर्मल वाला एडिशन है जो कि रेडमी नोट 5 प्रो के लिए है, जिसका बिल्ड डेट आपको जो 7 अप्रैल का देखने को मिलता है, जो कि एक ऑफिशियल है। और अगर आप प्रीवियस वाले पे हो तो आप OTA अपडेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो ऑरेंज फॉक्स का यूज करना होगा रिकवरी का। यहाँ पे आते तो वही आपको अपडेटर मिलता है, एंड्रॉइड 10 का बेनिफिट मिलता है, और रूल का नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया गया है। यानी यहाँ पे कई सारे एक्शन आप दे सकते हो, जैसे कि DND करना, साइलेंट करना, वाइब्रेट करना या फिर रिंग करना। जिनमें से कोई भी एक्शन आपको सेट करना है तो आपको प्लस पे टाइप करना होगा। दो ऑप्शन नजर आएंगे, वाईफाई नेटवर्क और लोकेशन यानी GPS। तो आप लोकेशन पे टाइप कर दो यहाँ पे, अगर आपको GPS चाहिए तो, या फिर वाईफाई। उसके बाद जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे एरिया पे आप सेट कर दो अपना लोकेशन कहाँ का है और किस जगह आप सेट करना चाहते हो, वो भी सर्च कर सकते हो वहाँ पे। फिर एरिया आपको डिसाइड करना है कि कितने रेंज में आने के बाद एक काम करना शुरू हो जाए, तो आप यहाँ पे उसके जो स्ट्रेंथ को भी काउंट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। उसका कंफर्म पे टाइप करना है। अब यहाँ पे जो भी एक्शन रखना है आपको, आप कोई भी एक एक्शन पिक कर लो कुछ इस तरीके से और ऐड पे टाइप कर दो। ये रूल आपका सेट हो गया। यानी जब भी आप इस लोकेशन पे विजिट करोगे, आपका जो DND फोन ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये जस्ट लाइक ऑटोमेटिक टास्क मैनेजर है। और ये फीचर्स प्रोवाइड किया गया यानी लिया गया है हमारे एंड्रॉयड R से, क्योंकि जस्ट पोको F1 के लिए मैंने प्रीव्यू 2 का रिव्यू किया था जिसमें फीचर्स इनबिल्ट था। यानी बहुत सारे फीचर्स हैं जो एंड्रॉइड 8 से जो लिए जा रहे हैं एंड्रॉइड 10 के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पे पिक्सल एक्सपीरियंस की टीम ने काफ़ी कमाल करके दिखाया है, वो है हमारा फेस अनलॉकिंग। जैसे कि हमें ऑक्सीजन ओएस के अंदर स्पेशल एक फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिलता था, और गूगल का हमें स्मार्ट लॉक के अंदर देखने को मिलता था। बट सेम टू सेम आपको फेस अनलॉक एक नया ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, जो कि परफेक्ट काम कर रहा है। और आपके पास कोई सभी डिवाइस है जो कि पिक्सल एक्सपीरियंस के ऑफिशियल बिल्ड को सपोर्ट करता है, तो आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इस अपडेट के बाद, जो कि काफ़ी कमाल का एंड इंटरेस्टिंग है। और वहीं पर फिंगरप्रिंट की बात करें, जो पहले हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता था, सेम वही रिस्पॉन्स है, लेकिन पहले से काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि इम्प्रूवड है, और काफ़ी क्विकली है जो अनलॉक भी होता है। लेकिन हाँ, सम टाइम आपको डबल टैप है जो करना पड़ता ही पड़ता है सम टाइम, लेकिन मैक्सिमम टाइम काम कर जाता है। DFS फुल्ली वर्केबल है, डिस्प्ले के अंदर वही सारी चीज़ें देखने को मिलता है जो कि प्रीवियस वाले अपडेट में हमें देखने को मिला था, और सारी कुछ वही चीज़ें हैं। अब डायरेक्ट हम आते हैं होम के सेटिंग्स पे। तो बाय डिफॉल्ट आपको MIUI का ही कैमरा देखने को मिलता है, बट आप जीकम चाहो तो ट्राई कर सकते हो, कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। अनटूटू की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर टोटल जो स्कोर हमें देखने को मिला है अनटूटू का, वो है 13641 का, जो कि बाकी तक कस्टमरों से मैं कहूँ हल्का सा कम है, क्योंकि वो 14 का स्कोर दिखाते हैं और ये 13 का है। बट वहीं पे अगर हम गेमिंग यानी पबजी की बात करें, तो आपको काफ़ी कमाल का मिलेगा, जो कि मैं आगे शो करने वाला हूँ। एक छोटी सी कमी मैं यहाँ पे कहूँगा, वो है इसके FM का, क्योंकि अगर आप FM जैसे इन करते हो या फिर ओपन करते हो, तो आपका जो फ़ोन लैग करने लग जाता है, बैक वगैरह काम नहीं करता, या फिर आप जैसे यहाँ पे 3.5 जैक का यूज करते हो, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला। अब आप देख सकते हो बैक बटन काम करना बंद कर दिया। तो FM अभी तक है जो ऑफिशियल बिल्ड के अंदर फिक्स नहीं है, तो ये जो फ्रीज हो चुका है, तो अगर आप FM यूज करने वाले हो तो गाइस इसके अंदर आपको FM की प्रॉब्लम देखने को मिलने वाला है। तो आप FM को अगर नहीं यूज करते हो तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर आप FM यूज करते हो तो कुछ इस टाइप का आपको जो लैगी और फ्रीजी देखने को मिल जाएगा इस पिक्सल के नॉर्मल वाले एडिशन के अंदर, और फोर्स स्टॉप भी आपको जो शो करेगा। वहीं पर अगर चैनलों की बात करके क्या दिया गया है, तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट इसके ऑफिशियल के साइट के ऊपर, जहां पे आपको इसका फुल डिटेल मिल जाता है। तो ये रहा फुल पैकेज, जहां पे लिखा गया है कि अप्रैल का सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड किया गया है, फेस अनलॉक दिया गया है और माइनर फिक्सेज की गई है। लेकिन वहीं पर FM और यहाँ पे आपको जो डेटा का जो था प्रॉब्लम, वो नेक्स्ट मंथ फिक्स किया जाएगा, यानी इस मंथ है जो फिक्स नहीं किया गया है। तो बस ये 3 अपडेट आए हैं, जिसमें से सिक्योरिटी पैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फेस अनलॉकिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन क्रिमिनल OTA अपडेट करना है आपको, तो ऑरेंज फॉक्स या फिर स्काई हो का TWRP का यूज करना होगा, अदरवाइज आपको जो एरर देखने को मिल जाएगा। अब हम स्विच करेंगे पबजी की ओर। तो यहाँ पे आप पबजी देख सकते हो कि आगे हम ग्राफिक्स की सेटिंग्स पे, जहाँ पे आपको हाई और HD देखने को मिलता है। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो अपनी मर्जी के अनुसार, या फिर आप है जो सबसे हायर पे रखे भी प्ले कर सकते हो, ताकि एक्स्ट्रा लेवल ओपन हो जाता है कस्टम रोम्स के ऊपर, स्पेशली रेडमी के नोट 5 प्रो डिवाइस के अंदर। तो आई होप सो गाइस कि आपको जो पूरा कंप्लीट डिटेल दे दिया हूँ। अब आप मुझे बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। जल्दी इसके जो प्लस एडिशन है उसका भी रिव्यू आपको जल्द ही मिलने वाला है, तो बस स्टे ट्यून करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप जानना चाहते हो कि प्लस एडिशन के अंदर क्या कुछ नया ऐड किया गया है। तो मिलते हैं इस वीडियो में कुछ खास स्पेशल दमदार लेकर, तब तक लिए बाय बाय।